हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विजेंद्र। मैं हूं सुनील। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है एक मूवी का ट्रेलर और इसका नाम है सरेलेरु नीक्केवारु। तो ये साउथ का ट्रेलर है। थोड़ा सा नाम लेने में मुझे मुश्किल हो रही है क्योंकि एग्जैक्ट वर्ड्स मेरे को पता नहीं है और नहीं इजी होता है हम लोगों के लिए बोलना क्योंकि हमारे जो टोन है थोड़ी सी इधर की नॉर्थ वाली है, तो फिर कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत टफ होता है। पर हम फैन है यार साउथ मूवीज के, और महेश बाबू जी की ये मूवी है। महेश बाबू बहुत ही फेवरेट है। महेश बाबू का तो एक डायलॉग बहुत अच्छा लगता है मेरे को, किसी फिल्म में ना ऐसे डायलॉग मारते हैं तेरे से तो गोरा रंग है मेरा भाई, मैं नहीं बोल सकता लेकिन महेश बाबू का ये डायलॉग है तो वो चीज है। ये बोल सकता भाई मुझे देख के कि तेरे से गोरा रंग है मेरा। रंग रूप से कुछ नहीं यार, दिल साफ होना चाहिए भाई। दिल साफ नहीं, दिल तो भाई दिल की जो ब्लॉक है वो साफ होनी चाहिए। दिल तो साफ हो जाएगा रहना चाहिए। और ऐसे ही आप ट्रेलर और वीडियोस देखते रहो, एंजॉय करो भाई। तो देखते हैं इसका ट्रेलर, देखते हैं। అని సాటి మగాడిగా నుంచి మగాళ్ళ మాట మేము అస్సలనంగా ఇలాంటి ఎమోషన్స్ సాటి సోదరికి వయసులో ఉన్న ఆడపిల్లని నీ నోటితో సోదరి అనుకు, తట్టుకోలేదు బాబు. ఏదో ఫ్లోలో అన్నా పెళ్ళి ఇలాంటి డ్రామాలు నెక్స్ట్ బిఫోర్ ఎవర్ ఆఫ్టర్. పదిహేనేళ్ల ప్రొఫెషనల్ కెరియర్, ఇంతవరకు తప్పుని రైట్ అనుకోవట్లేదు. నేను తప్పులే చేస్తాను రెడ్డి, దాన్ని ఎప్పుడైనా రైట్ కొట్టాల్సిందే. అరే చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాడు. మీరు తీసేస్తారే బాబు. చుట్టూ 100 మంది, మధ్యలో ఒక్కడు కచ్చేయండి. మీరందరూ నేను కాపాడుకుంటున్న ప్రాణాలు, మీకోసం ప్రాణాలు ఇస్తున్నావు అక్కడ. మీరేమో అడ్డమైన పనులు, బాధ్యత కదా. చిన్న బ్రేక్ ఇస్తున్నాను, తర్వాత బొమ్మ దగ్గరలు పద్దే దగ్గరలు పద్దే దగ్గరలు పద్దే దగ్గరలు పద్దే. तो यार ये मूवी आ चुकी है 11 जनवरी को। भाई ट्रेलर भी खतरनाक है बिल्कुल। ट्रेलर तो भाई ऐसा है मतलब जबर बनाया हुआ है, तो मूवी भी उसी हिसाब से जबर होगी। एक कॉमेडी मूवी भी है जो शुरुआत दिखाई है, बिल्कुल कॉमेडी है। ट्रेन का सीन दिखाया भाई, मैक्सिमम जो सीन है वो ट्रेन का ही है स्टार्टिंग में। दिखाया कि लड़की एक फिदा है भाई उस पे, और पूरे मतलब उसमें कॉमेडी भरी हुई है। ट्रेन वाला जो पोर्शन है ट्रेन, वो भाई वो जाती है रात में, कहती है आई लव यू आई लव यू, कहता है अरे पागल हो गई है तू। और यार जो हाफ ऑफ ट्रेलर है वो उसमें पूरे एक्शन ही एक्शन है और जबर एक्शन दिखाए हुए हैं भाई। मुझे तो यार वो वाला सही लगता है, वो कहते हैं फ्लो फ्लो में हो गया। हाँ वो नहीं वो वाला दिखने का मंगल देता है। हाँ दिखा जाता है वही वही। और इसमें मतलब लग रहा है ये माँ और बेटे की स्टोरी दिखाई हुई है, जिस हिसाब से पोस्टर एंड में हमें दिखाया है माँ और बेटे की, उसके लिए बेटा लड़ता पूरा। वो एक्चुअली एक वो स्टेट में गुंडागर्दी है, मिनिस्टर विस्टर जो पॉलिटिक्स दिखाते हैं साउथ में वो चीज है। और यहाँ पे महेश बाबू जो दिखाए हैं वो थोड़ा सा आर्मी लुक दिखाया है, जो स्टूडेंट आर्मी होती है उसको लेके, यानी कॉलेज के जो बच्चे होते हैं उनको लेके दिखाया गया, उनका लीडर है या कुछ भी है, तो उसके हिसाब से कि बाबू
इसमें आई थिंक नाम भी इनका बाबू बाबू लिखा हुआ है कुछ महेश बाबू की जगह, तो वो जीत है। तो बहुत अच्छा रोल प्ले किया है इन्होंने, यानी एक एक्शन के अकॉर्डिंग लेके चले हम तो। और होप ये मूवी भी बढ़िया ही होगी, क्योंकि मूवी आ चुकी है पर ट्रेलर हम थोड़ा लेट हो गए करने में जैसे कि हम बिजी थे थोड़े, तो हमें तो देखना ही था यार ट्रेलर। मूवी देखते हैं, मूवी भी देखेंगे हम थोड़े दिनों में, क्योंकि अभी काफी कुछ चल रहा है, क्योंकि जनवरी में इतनी मूवीज आ रही है भाई। डब्ड होकर नहीं आएगी ना, कि हमारे लिए थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि मूवी डब्ड होकर नहीं आएगी। जब डब्ड होकर आएगी तो हम सबसे पहले देखेंगे, और होपफुली शायद पता नहीं शायद डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में तो रिलीज करी नहीं इन्होंने, क्योंकि हो भी सकता है डब हो चुकी हो हमारे पास ना कौन सी हो, तो कोई ना पहुंच जाएगी एक दो दिन देख के फिर बता देंगे भाई की रिव्यू कैसा रहा इस मूवी का। और मूवी तो हमें बढ़िया ही लग रही है, क्योंकि कॉमेडी भी है, एक्शन भी है, और कुछ स्टोरी भी कुछ ऐसी है अभी तो भाई हम पुरानी थोड़ी सी पुरानी फिल्में देख रहे हैं अभी। गुड न्यूज़ देखी थी, तानाजी देखी है, तो थोड़ा अभी पुराना हमारा काफी स्टॉक पड़ा हुआ है मूवीज का, वही चल रही है, और थोड़ा बिजी भी चल रहा है शेड्यूल, एक्चुअली टाइम मिल नहीं पा रहा ना फिल्में देखने का, क्योंकि मेन चीज क्या एक्चुअली काम बहुत सारे होते हैं, तो उसके हिसाब से फिर टाइम ही नहीं रख पा रहा है। तो हम जितना टाइम हो रहा है हम निकाल पा रहे हैं, वो उस हिसाब से हम वीडियोस सब बनाने शुरू कर रहे हैं फिर से थोड़ा शेड्यूल में से टाइम निकाल के। ट्रेलर में जैसे महेश बाबू की बात करते हैं, और महेश बाबू के बारे में तो आप सभी लोग जानते हो कि यार उनकी एक्टिंग, और जैसे उनकी एक फिल्म थी भारत, तो भारत जो थी जिसमें वो सीएम का रोल करते हैं, बहुत अच्छा दिखाया गया। फिर उसमें दिखाया था ना कि ट्रैफिक के जो वो थे सिग्नल के तोड़ने के, वो सारे चीज़ उन्होंने फाइन बढ़ा दिए थे, तो वैसे ही इंडियन गवर्नमेंट ने किया था अभी थोड़े दिन पहले कि फाइन वाइन बढ़ा दिए, और उसके बाद सबकी हालत खराब की, इतना बड़ा चलान कैसे भरेंगे लोग। पर ये है भाई कंट्रोल में आ गए उसके बाद, काफी कुछ कंट्रोल एक्चुअली क्या होता है कि डर इंसान के लिए बहुत काम का होता है, क्योंकि अब इसमें क्या होगा, डर लगने लग गया लोगों को कि ऐसा अगर चलान ज्यादा होगा तो। क्योंकि मैंने देखा कि पहले लोग ड्रिंक एंड ड्राइव करते थे, लेकिन अब ड्रिंक एंड ड्राइव करने के लिए पहले सौ बार सोचते हैं कि करते नहीं है, घर बैठ के पी लो, ओला उबर कर लो यार। क्योंकि मैंने देखा है लोगों को कि नहीं, तो पहले तो क्या भाई सब करो ठुकरे हैं, कोई कुछ तोड़ रहा है, कोई कुछ तोड़ रहा है, और ये चीज होने से एक्सीडेंट में भी कमी हुई होगी। हाँ, और चलान मैं तो कहता हूँ चलान बढ़ाने चाहिए, क्योंकि देखो गवर्नमेंट सब चीजों के राइट्स देती है, अगर हम अपनी चीजें पूरी नहीं कर रहे हैं तो गलती किसकी, हमारी है ना, इसमें गवर्नमेंट ही कहाँ गलती, गवर्नमेंट तो सीधी अपना काम कर रही है, तो वो चीज है। अब तो आप अपने सारे मतलब डॉक्यूमेंट्स पूरे रखो, सब कुछ सेफ्टी से चलो, और सारे हमें तो आदत पड़ी हुई है ना, वो बहुत पुराना जो चला आ रहा है वो एकदम से कैसे चेंज हो जाएगा, तो इसलिए लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ें जैसे ये दिखाते हैं अपने मूवीज में बढ़िया बढ़िया, और ये मूवी में भी कुछ हमें सीख मिलेगी, कुछ नए नए आइडियाज लेके आते हैं, कुछ मोटिवेशनल सी मूवी होती है जिनमें एक डायरेक्शन दी होती है बहुत राइट वाली, की जैसे स्टूडेंट क्या करना चाहिए क्या कुछ है, तो वो चीज़ें कि अकेले स्टूडेंट कैसे फाइट करते हैं, वो सारी चीज़ें हैं कि यानी कैसे लड़ना होता है सिस्टम से, वो सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं इसमें। तो हमें तो ये ट्रेलर लगा है बहुत ही कॉमेडी वाला भी, और एक्शन वाला भी, और एक बढ़िया सी स्टोरी वाला भी। आपको ये कैसा लगा ट्रेलर हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के, और साथ ही दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले, और लाइक कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दें वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।